गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग जो है संधि पढ़ रहे थे। संधि का प्रकाशक पढ़ लिया, उसमें का कुछ विशेष जो नियम था वो जान लिए। फिर उसके बाद जो है उनका परिभाषा भी मैंने बता दिया। संधि के भेद बतलाए, संधि के क्या होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा। स्वर संधि का परिभाषा जान लीजिए, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भावा, भाव जोड़ा, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये स्वर संधि का परिभाषा होगा। अब स्वर संधि के भेद हैं, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पांच भेद, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा प्रीति संधि, चौथा यन संधि, पांचवा आयादि संधि। पहले दीर्घ संधि के बारे में आज पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है, हर स्वर में और आया छोटी आया छोटी उ आया, या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या आया, आया बड़ी ई आया बड़ी उ आया, के आपस में मिलने से यदि स्वर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर यानी आ बड़ी बड़ी उ की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण दिया गया है। अब देखिए कुछ स्वर जो है वो स्वर स्वर जब मिलता है तो क्या बनता है, अ मिलकर आ बना, आ आ मिलकर आ बना, आ अ मिलकर आ बना, आ मिलकर भी आ बनता है। ठीक है, अब जैसे हमको मान लिया भावार्थ का संधि बनाना, ठीक है, तो भावार्थ का संधि बनाने के लिए भाव जोड़ा, पुस्तकालय का संधि बनाना था पुस्तक जोड़ा ले, परीक्षा का परीक्षार्थी का हमको संधि विशेष बनाना था परीक्षा जोड़ अर्थी, प्रतीक्षालय का संधि विशेष बनाना प्रतीक्षा जोड़ आगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल में दिया बड़ी बड़ी छोटी छोटी मिलकर बड़ी हुआ, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी हुआ, ई बड़ी बड़ी मिलकर ई, बड़ी बड़ी मिलकर ई। ठीक है, यानी बड़ी, तो कविंद्र जो हुआ, ध्यान देंगे कविंद्र, तो कविंद्र का संधि विशेष कवि जोड़ींद्र, गिरीश का संधि विशेष गिरी जोड़ीश, महेंद्र का संधि विशेष महि जोड़ींद्र, नदीश का संधि विशेष नदी जोड़ीश। फिर तीसरा एग्जाम्पल में उ का दिया गया, पहले दिया गया क्या दिया गया आ का, दूसरा में बड़ी का, फिर उस पर बड़ी उ का। ठीक है, अब बड़ी उ मिलकर बड़ी उ, बड़ी उ और बड़ी छोटी उ मिलकर उ, और छोटी उ मिलकर बड़ी उ, और बड़ी उ दोनों मिल जाए वो भी उ होगा। भानु गए का हमको संधि विशेष बनाना है, तो भानु जो गए, अबुर्मी अबुर्मी का संधि विशेष बनाना अंबुजोर उर्मी। ठीक है, बधुस्सर इसका संधि विशेष बधुजोर उषर, भुर्जा भुर्जा का संधि विशेष भूजोर ऊर्जा। ये हो गया आपका दीर्घ का जो है भेद, दीर्घ का परिभाषा और दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला वीडियो में गुण संधि के बारे में पढ़ाएंगे, फिर वृद्धि संधि के बारे में पढ़ाएंगे, फिर यन संधि के बारे में, फिर आयादि संधि का, मतलब मिलाकर पांच वीडियो और बनेगा। आज के लिए बेस्ट ब्लॉग बेस्ट ऑफ लक, और सभी बच्चे घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए, और कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी है उस बीमारी का पालन करते रहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना टली, सावधानी यदि नहीं रखिएगा तो दुर्घटना होगा, इसलिए सावधानी रखना है। जैसे बताया गया है वैसे नियमों का पालन करते रहना है, ठीक है, और मन लगा कर पढ़ना, धीरे धीरे इसी तरह हमको आगे बढ़ना है। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।